नमस्कार, मैं भावना सिंह और आप देख रहे हैं HBN न्यूज। झारखंड के नाला जमताड़ा के सरस्वती शिशु मंदिर में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रशिक्षण विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में मंडल स्तरीय दो दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सबसे पहले सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोगी के बारे में उपस्थित स्थानीय लोगों को जानकारी दी गई। झारखंड में भाजपा सरकार की उपलब्धि और अन्य दलों की स्थिति, पार्टी के कार्य पद्धति और योग संगठन संचलन में भूमिका, आत्मनिर्भरता के साहित्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। सांसद सुनील द्वारा जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में नाला मंडल अध्यक्ष जीतन राउत, जिला उपाध्यक्ष तापस भट्टाचार्य, जिला मंत्री रजित तिवारी, कॉय समिति सदस्य गिरधारी ठाकुर और सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो नाला में प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, इसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हमें हुआ और पूरे जिले में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसमें सारे कार्यकर्ता, सारे नेता लोग अपने अपने प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश से हो रहा है। इसमें तमाम जो नेता हैं, हमारे देश का इतिहास, पार्टी का इतिहास और आज जो परिस्थिति जिस तरह से देश में है, उस विषय पर बताया जा रहा है। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत लाभ मिलेगा। इसी निमित्त आज नाला प्रखंड में प्रशिक्षण हुआ। आज के प्रशिक्षण बोलो सुधा जी, क्या आज के प्रशिक्षण ये हुआ है तो इसके बारे में आप कुछ बोलिए। नाला में भाजपा का दो दिवसीय प्रशिक्षण था, जिसका अध्यक्ष कर रहे थे भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेन राउत जी, और यहाँ पर प्रभारी सब को आए, सब पंचायत प्रभारी, सह प्रभारी, जिला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, प्रखंड कार्य समिति, सब सदस्य उपस्थित हुए। और आज इस बैठक का अंतिम चरण हुआ और यहाँ से हम लोग सब कोई प्रशिक्षण लेके गए, कुछ सीख के गए और आने वाला समय में झारखंड में एकक सरकार बनेगा, यही दिशा के लेके बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है जो नरेंद्र मोदी अटल आडवाणी का पार्टी है। और ये जो प्रशिक्षण हम लोग हुआ दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रवादी एक प्रतीक का चिन्ह है, और प्रशिक्षण में बहुत कुछ हम लोग सीखे। बस इसी के लेके प्रशिक्षण समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। हम सभी कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण प्राप्त करके इस प्रशिक्षण के निमित्त जो भी जानकारियां एकत्र हुआ वो बहुत ही लाभान्वित करने वाला, कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने वाला है। और कार्यकर्ताओं का उत्साह इस बात को लेकर था कि प्रशिक्षण से हमें क्या मिलेगा, क्या पाया क्या खोया। इस निमित्त लोगों ने इस चीज़ को परखा देखा, उसके बाद हम लोगों ने एक अनुभव किया, प्रशिक्षण से कार्यकर्ताओं का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसी कार्यक्रम में सभी लोग बढ़ चढ़ के उपस्थित हुए और प्रशिक्षण में वर्क करने का भी हम लोगों को मौका मिला। लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ शेयर करने का बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी का आगे का समय बहुत ही सुखद होगा, ऐसा अनुभव के साथ आज का कार्यक्रम का समापन हुआ। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।